हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक चम्मच तेल से चिवड़ा की रेसिपी बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख देंगे। अभी हमें सबसे पहले पोहा लेना है और इसे अच्छे से भूनना है। यहाँ पर हमें पतला जो नॉर्मल पोहा आता है वो लेंगे। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट तक भूनना है। पोहा को हमें बिना तेल के ही भूनना है, जिससे बहुत ही क्रंची और टेस्टी बन के तैयार होगा और बहुत ही लेस ऑयल हम चिवड़ा की रेसिपी बनाने वाले हैं। मीडियम फ्लेम पर मैंने 3 से 4 मिनट तक पोहा को मैंने भून लिया है, तो अच्छे से क्रंची हो गया है। अब हम इसे एक छन्नी में निकालेंगे। ये चिवड़ा की रेसिपी आप घर पे ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये बहुत ही कम ऑयल में बना हुआ है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसी तरह से हम दूसरी बार भी पोहा को भून लेंगे। दूसरी बार भी मैंने पोहा को मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। इसे भी हम ऐसे छन्नी में निकालेंगे। एकदम क्रंची पोहा भून के तैयार हुआ है। देखो, ऐसे क्रंची तैयार करना है। अब हम सबसे पहले पोहा में डालने के लिए इसका मसाला तैयार करेंगे। एक चम्मच सौंफ का पाउडर लेंगे, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हाफ टी स्पून काला नमक, हाफ टी स्पून आमचूर का पाउडर डालेंगे, एक चम्मच जितना लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, एक चम्मच जितना चीनी का पाउडर डालेंगे। यहाँ पर चीनी का पाउडर ऑप्शनल है, आपको खट्टा मीठा टेस्ट पसंद है तो ही डालना। सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। चिवड़े में डालने के लिए मसाला तैयार है। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितना ऑयल लिया है। अब हम इसमें सिंगदाने डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। सिंगदाने अच्छे से भून गए हैं। अब हम इसे एक बाउल में निकालेंगे। अब हम इसी ऑयल में काजू बादाम डालेंगे और इसे भी अच्छे से सेलो फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर आप काजू बादाम की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। काजू बादाम भी अच्छे से भुन गए, इसे भी हमने जिसमें सिंगदाने निकाले थे उसमें निकाल लेंगे। अब हम इसमें सूखे नारियल की चिप्स डालेंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सूखे नारियल की चिप्स चिवड़े में बहुत ही टेस्टी लगती है, आप इसे ज़रूर डालना। चिप्स भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, इसे भी हमें बाउल में निकालेंगे। अब हम इसी ऑयल में लंबी स्लाइस में कट की हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसे भी ड्राई होने तक फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च को अच्छे से फ्राई करना है, नहीं तो इसका मॉइस्चर चिवड़ा में आएगा तो अच्छा नहीं लगेगा और जल्दी से ख़राब हो जाएगा। देखो, मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, इसे भी हम इस बाउल में निकालेंगे। अब हम 1 बाउल जितना कड़ी पत्ते लेंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। कड़ी पत्ते फ्राई हो चुके हैं, इसे हम अलग से निकालेंगे। अब हम मसाला करेंगे। हमने जो मसाला बनाया था उसमें से 2 चम्मच जितना मसाला हम इसमें डालेंगे। मसाला को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही टेस्टी और चटपटा चिवड़ा बन के तैयार होगा, आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना। मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब जो ऑयल बचा था उसमें हम बचा हुआ मसाला डालेंगे और अच्छे से भून लेंगे। यहाँ पर हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। अब हम इसी मसालों में पोहा डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पोहा को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें कड़ी पत्ता डालेंगे। कड़ी पत्ता डाल के अच्छे से पोहा को मिक्स कर लेना है।
अब हम इसमें सिंगदाने और ड्राई फ्रूट जो फ्राई करके रखे थे वो डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस टाइम पर अगर आपका नमक कम है तो आप इसे और डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना। एक चम्मच तेल से बना हुआ चटपटा और टेस्टी चिवड़ा बनके तैयार है। आप इसे घर पे जरूर ट्राई करना, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में 1 से 2 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हो, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।